कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपना नया पाठ आरंभ करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरंग बाय ब्रेन रूट सीरीज, और आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है आओ पेड़ लगाएं। आप सब ने अपने घर के आसपास हरे हरे पेड़ पौधों को देखा होगा। पेड़ों से हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं और पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ। पाठ शुरू करने से पहले हम चित्र पर आधारित एक गतिविधि करेंगे। बच्चों, यह नीम के पेड़ का चित्र है। किसका चित्र है? नीम के पेड़ का। आप तो जानते ही हैं यह कितना लाभकारी और उपयोगी पेड़ है। इसीलिए इस पेड़ के उपयोग से होने वाले कोई 3 फायदे बताओ। आप सबके घर के आसपास नीम का पेड़ है और आपने सुना होगा नीम का पेड़ बहुत लाभदायक होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो आपको क्या करना है? दिए हुए स्थान पर नीम के पेड़ के कोई 3 फायदे लिखने हैं। पाठ प्रवेश। इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे? इस कहानी में पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बताया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो चलिए पढ़ते हैं कि उनका क्या महत्व है। आइए शुरू करते हैं। दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे। उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी नज़र उन पर पड़ी। किस पर पड़ी? दादाजी पर, जो क्या कर रहे थे? एक पौधा लगा रहे थे। वे बोले, अरे चलो देखते हैं दादाजी क्या कर रहे हैं। बच्चों को लगा कि चलकर देखना चाहिए कि दादाजी क्या कर रहे हैं। बच्चे उनके पास पहुंच गए। कौन उनके पास पहुंच गए? बच्चे किसके पास? दादाजी के पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, बच्चों ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये आप किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं? दादाजी ने बताया, वे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि बच्चों को अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी तरह पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, तो उन्हें बढ़ने के लिए किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता तो होती होगी। हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, पानी की। तो उसी प्रकार बच्चे दादाजी से पूछ रहे हैं कि पेड़ों को किस चीज़ की ज़रूरत है। दादाजी बोले, बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, तो दादाजी ने बच्चों को बताया कि पेड़ों को धूप, पानी, हवा, ये सब चाहिए। और फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? बच्चे बोले, अमरूद, क्योंकि वो अमरूद का पेड़ था। हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बच्चों को तो यही पता था कि अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगेंगे और हमें अमरूद मिलेंगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, दादाजी ने बच्चों को बताया, बच्चों पेड़ हमें फल, फूल के अलावा छाया व शुद्ध हवा भी देते हैं। पेड़ों से देखो क्या मिलती है हमें? शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। और क्या मिलती है पेड़ों से? लकड़ी मिलती है। पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। कुछ पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों की शाखाओं में। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, बंदर पेड़ों पर रहता है। और आपने देखा होगा, अगर आप कभी गांव गए हैं या किसी होटल में जाते हैं, तो वहाँ जो गैस चलती है,
उसके में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बच्चों ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, तो हम सब भी पेड़ लगाएंगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं। तो दादाजी ने बच्चों को पेड़ों का महत्व बताया, तो बच्चे बड़े खुश हुए और बोले कि दादाजी हमें तो पता ही नहीं था कि पेड़ इतने उपयोगी हैं, तो हम सब भी क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे और अपनी धरती को स्वर्ग बनाएंगे। बच्चों आप सबको भी अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। पार्क, पार्क क्या होता है? सार्वजनिक उपवन, नज़र दृष्टि, ज़रूरत आवश्यकता, अलावा अतिरिक्त, शुद्ध स्वच्छ, सहायक मददगार, उपयोगी फायदेमंद, धरती पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। तो चलिए बच्चों पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न एक, बताओ क्या पढ़ा? चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। और घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ों पर। क्या आप अपने घर के पास आम का पेड़ लगाएंगे? बताइए, आप अपने घर के पास आम का पेड़ लगाएंगे जिस पे मीठे मीठे आम आएंगे? तो इसका उत्तर आप अपनी कक्षा अध्यापिका को देंगे। पेड़ हमें कैसी हवा देते हैं? पेड़ हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा देते हैं। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, दादाजी पौधा कहाँ लगा रहे थे? घर में, गांव में, पार्क में या गमले में? तो दादाजी पौधा पार्क में लगा रहे थे। दादाजी पौधा लगा रहे थे किस चीज़ का? आम का, अमरूद का, नारियल का या केले का? तो दादाजी पौधा लगा रहे थे अमरूद का। पेड़ हमें देते हैं क्या? देते हैं शुद्ध हवा, फल फूल व दोनों, मतलब पहला भी और दूसरी चीज़ भी, और अंत में एक विकल्प है रोटी। तो विकल्प तीसरा वाला बिल्कुल सही है। पेड़ हमें शुद्ध हवा भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं। प्रश्न तीन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चे दादाजी के डैश पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दादाजी के पास पहुंच गए। पेड़ों से हमें डैश मिलती है, क्या मिलती है? शुद्ध वायु, या हम कह सकते हैं शुद्ध हवा मिलती है। गा, पेड़ डैश बरसाने में भी सहायक होते हैं। पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। दादाजी पेड़ हमारे लिए डैश हैं, क्या है? पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों एक बार पुनः आप अपने पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रश्न चार आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों इस पाठ के अंतर्गत हमने पेड़ों के महत्व के बारे में पढ़ा और यह जाना कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।